बलवान फौजी का रामविलास और दान सिंह बलवान फौजी की परछाई तक नहीं खरीद सकते। अरे मुझे मारे ही तो गए, इंसान एक बार मरेगा। अरे जब अब मैं नहीं मान रहा, अब मैं नहीं कर पा, मतलब रुक पा रहा काम करवाने से, तो एमएलए लगने के बाद तो पता नहीं क्या क्या करवाऊंगा। मेरी गारंटी आपसे, अगर अब किसी कारणवश एमएलए ये जिला मुख्यालय एमटी खुडाना नहीं आई, तो बलवान फौजी बनते ही एक साल में दोनों के दोनों चैलेंज के साथ। अच्छा, अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ था ना भाई, महेंद्रगढ़ के बेटे मरे गुड़े, कोई क्या फर्क पड़ता है। हवा तो बनाऊंगा भाई, हवा भी बनेगी, एमएलए भी बनेंगे, वोट भी आएंगे, राजनीति भी करेंगे। मतलब बलवान फौजी अब आंदोलन करेगा, ताबड़तोड़ शांति प्रिय तरीके का आंदोलन भी देखने को मिलेगा जनता को। अगर मैं सीएम, जनता ने मेरा साथ दिया और 10,000 व्यक्ति मेरे साथ बैठ के 24 घंटे, तो मैं वादा करता आपके चैनल के माध्यम से, अगर सीएम साहब अनाउंस नहीं करेंगे तो मैं वोट भी नहीं मांगूंगा उसके लिए। और बलवान फौजी जैसा शेर बोलेगा, इस धरने में ना दान सिंह को अलाउड है ना रामविलास जी को अलाउड है। अभी दान सिंह जी अगर जिला मुख्यालय का मुद्दा उठाते तो नारनौल से वोट नहीं आ पाते। जैसा आप सभी जानते हैं कि लगातार चुनावी माहौल, जैसे अभी लोकसभा चुनाव और अभी बात करें विधानसभा चुनाव की, तो लगातार जो प्रत्याशी हैं मैदान में आने लगे हैं। एक प्रत्याशी हमारे साथ है जो कहता है, बातें आपने सुनी होंगी, पोस्टर देखे होंगे, कि पहले मेरे से कोई काम करवाओ उसके बाद ही मेरे को आप वोट दो। मतलब पहले काम करवाओ उसके बाद वोट दो। अक्सर नेता कहते हैं कि भाई मेरे को वोट दो, मैं बनूंगा और उसके बाद फिर मैं आपका कोई भी जो काम होगा वो कर पाऊंगा। तो आज हमारे पास बलवान फौजी, एक लाजवाब व्यक्ति है जो लोगों के काम के लिए कभी तो सड़क पे और कभी कोर्ट में, कभी ज्ञापन एसडीएम को, कभी डीसी को लगातार देते रहते हैं। तो अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या होने वाला है महेंद्रगढ़ में, क्या करने वाला है बलवान फौजी। तो बात करते हैं बलवान फौजी जी से। जी नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार आपको और आपके चैनल को, दर्शकों को, सबको बलवान फौजी का राम राम, नमस्कार जय। तो अब बलवान फौजी क्या बड़ा करने वाला है, जैसे बातें सुन रहा था मैं, बलवान फौजी कुछ करने वाला है। मैं वैसे तो आए दिन सुबह उठ करके और हर काम बड़ा ही करता हूँ, क्योंकि किसी एक नॉर्मल व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है जी, अगर उसके लिए भी मैं आवाज उठाता हूँ तो उस व्यक्ति के लिए वो बड़ी है, क्योंकि वो कहीं भी काम नहीं हो पा रहा। और मैं कुछ भी ना होते, मेरे लिए वो इसलिए बड़ा रहता है कि मैं कुछ भी ना होते, अधिकारी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन घर से जाते टाइम जिस बंदे व्यक्ति का फोन आता है उसके साथ जाता हूँ, तो ये मन में रहते कि इसका काम करवाऊंगा। जब काम हो जाता तब छोटा होता है। तो मेरे लिए तो हर दिन मैं बड़ा काम करता हूँ। दूसरी चीज जो अब हमारे क्षेत्र की एक सबसे बड़ी मांग है जी, वो जिला मुख्यालय की है। जिला मुख्यालय, हाँ जी, जिला हमारा है महेंद्रगढ़, नाम है, लेकिन कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता कि वो जिला महेंद्रगढ़ है जी। उसका एक ही चीज आती है कि नारनौल की कोई बैरिकेटिंग देखो पुलिस की, महेंद्रगढ़ में कहीं कोई सीएम आता है और कुछ देखते हैं तो वो नारनौल लिखा हुआ आता है, कोई प्रेस नोट आता है किसी अधिकारी का तो नारनौल आता है, कहीं कोई व्यक्ति यहाँ से काम करने के लिए जाता है तो नारनौल जाना पड़ता है, और जिला महेंद्रगढ़ है। दूसरी चीज, इसमें कोई एक अधिकारी कोई मीटिंग के लिए जाता है तो नारनौल जाना पड़ता है, अगर वो सुबह नारनौल निकल गया उसके आधे घंटे की मीटिंग है तो पूरा दिन नारनौल में घोड़ देता है। अगर वही अधिकारी यहीं पर हो और आधे घंटे की मीटिंग हो तो जो साथी हमारा साथ रहता है वो तुरंत उस अधिकारी से आधे घंटा इंतजार करके फिर मिल सकता है, काम करवा सकता है, काम करवा सकता है। कहीं श्यामपुरा का आदमी है, कहीं कुमार अंडाणी का आदमी, कहीं अटेली साइड का आदमी है, कहीं का भी आको दैगबास कोडाना तक का लेवल का जो यहाँ से आते हैं व्यक्ति परेशान रहते हैं। एडीजी कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सौ प्रकार की चीजें हैं, सारे अधिकारी यहाँ बैठेंगे, आएंगे आदमी कभी भी काम करवाएंगे। एक मंगलवार को डीसी साहब आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। जब डीसी, हमने एसडीएम से ही ज्ञापन बात करनी है, कुछ करना है तो यहीं पर ना कर ले, रोज यहीं रहते हैं तो। फिर हर ये जिले ही बंद कर दिए जाए फिर। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अब कल 2 जुलाई को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में डीसी साहब के माध्यम से सरकार का, हरियाणा सरकार को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिस ज्ञापन में ये लिखा जाएगा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी जिला मुख्यालय और आईएमटी खुडाना की कार्रवाई करते हो तो हम शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो अगले 10 दिन के बाद फिर एक ज्ञापन दे करके और गांव गांव जा करके लोगों को जगा करके और 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक बड़ी 10,000 व्यक्तियों की जनसभा करके, और वो जनसभा गांव गांव जाऊंगा, जो नोता दूंगा वो जनसभा ऐसी होगी कि लोग वहां 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे बैठना पड़े तो एक व्यक्ति उठे ना, नोता ही इसी तरह से देख के आऊंगा मैं।
ताकि मेरी गारंटी, अगर महेंद्रगढ़ की जनता ने अब किसी को वोट दे किसी को सपोर्ट दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पाने के लिए आप एक हो जाओ। मैं आपको कभी भी मेरे इस काम के लिए वोट नहीं मांगूंगा कि आपने, मैंने आपको जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ी और ये किया वो किया है, सिर्फ आप इस लड़ाई में मेरा साथ दो, आप कहीं रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये लड़ाई हम जीत गए हैं तो हम वैसे ही मैं एमएलए एमपी हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, लोगों के काम ही यहाँ हो जाएंगे। काम ही यहाँ हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 10,000 व्यक्ति जब वहां बैठ के लगातार वहीं बैठे रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं नहाएंगे, वहीं धोएंगे, वहीं पर सब कुछ करेंगे, सरकार अनदेखी नहीं करेगी, इतना मेरा चैलेंज है। चुनावी समय है, वैसे भी चुनावी समय है। मैं वादा करता हूं अगर महेंद्रगढ़ की जनता ने साथ दे दिया तो हरियाणा के सीएम के मुख से ये कहलवा दूंगा, नारनौल को अलग जिला बनाने की प्रक्रिया और महेंद्रगढ़ को जिला ही रहने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 10 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। उसको सिर्फ नाम देना है या सिर्फ ऑफिस बनाना है? यहाँ ऑफिस ऑफिस बने पड़े हैं, सचिवालय सब कुछ। अरे बैठाओ तो सही, शुरू तो करो, उसको नाम दे दो, वहां सब कुछ सेटअप है, या नया सेटअप तैयार कर दो, काम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। जो अधिकारियों को लिबेटने वेटने की 2 महीने में तैयार हो जाएगा मामला। अच्छा, कुछ दिन पहले एक धरना भी हुआ था चिमोड़ पे, आपको पता है आपके हाथ में माइक था, तो वहां क्या मामला हो गया था फिर? जैसे ये लंबे समय चल रहा था मुख्यालय का ही हो तो। ये मैं आपको आज सिस्टम समझाता हूँ, गवर्नमेंट नहीं चाहती है और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे लोग नहीं चाहते हैं। सिद्धांत सिंह जी लगा लो, रामविलास जी लगा लो, ये किसी भी व्यक्ति ने राजनीतिक ने आज तक इतनी बड़ी मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की है। क्यों? उनको अड़े हाथ या राजनीति मिलने लग रही है ना, किस लिए करेंगे? अभी दान सिंह जी अगर जिला मुख्यालय का मुद्दा उठाते तो नारनौल से वोट नहीं आ पाते चुनाव लोकसभा में, लोकसभा में। तो ये चीज है, रामविलास शर्मा जी वैसे नहीं चाहते, गलत तो है नहीं, अभी उसको अलग बना दो, इसको अलग बना दो, बहुत शांतिप्रिय तरीके से आसानी से हो सकता है। और मैं ये सारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से करूंगा, बिल्कुल प्लेन। लोग मेरे को वैसे क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन मैं इसमें शांतिप्रिय तरीके से भी सीएम से हां भरवा सकता हूं। शांतिप्रिय तरीके से कब नहीं होता मैं बताता हूं, अगर चुनाव नजदीक नहीं होते तो फिर शांतिप्रिय तरीके से नहीं होता। आराम से, अब तो आराम से माने, हमें जनता की भीड़ दिखानी है 24 घंटे लगातार दिखानी है, अपने आप आएगा। और बलवान फौजी जैसा शेर बोलेगा, इस धरने में ना दान सिंह को अलाउड है ना रामविलास जी को अलाउड है, उनको बैन है, बैन है। आएंगे धरती में बैठ के जाएंगे, अगर कोई कुछ बोलेगा कि इनको बोलने भी दो, क्योंकि आज तक का जितना वकील भाइयों ने सब धरना दिया और भी कुछ है, ये दोनों आए हैं और सारा मामला गड़बड़ा के गए। यहाँ बलवान फौजी है, जनता है, जनता आगे रहेगी, बलवान फौजी पीछे रहेगा, उसके पीछे ये दोनों रहे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था, नेता आने से ही बिगड़ गया था माहौल। यही मैं कह रहा हूँ, ये बिगाड़ने के लिए आते, बिगड़ता नहीं है, ये आते ही बिगाड़ने के लिए, और इनको अब की बार कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बलवान फौजी जिला मुख्यालय की लड़ाई, अगर मैं सीएम, जनता ने मेरा साथ दिया और 10,000 व्यक्ति मेरे साथ बैठ गए 24 घंटे, तो मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सीएम साहब अनाउंस नहीं करेंगे तो मैं वोट भी नहीं मांगूंगा उसके लिए। मतलब लोग अगर आते हैं फिर भी अगर बात नहीं मानी जाती तो वोट नहीं मांगूंगा, मैं वोट नहीं मांगूंगा। अरे इससे ज्यादा और आदमी क्या करेगा? जनता आएगी, जनता के आगे तो दुनिया नतमस्तक हुई है। बताते हैं गांव को तो भगवान का नाम दिया गया है, गांव राम होता है। बिल्कुल। और शहर पूरा इतना सिस्टम, फिर तो ताम झाम है। आपने डेट फाइनल नहीं किए गए? डेट फाइनल है, कल जिला मुख्यालय का वो 10 बजे सुबह लगे सचिवालय में ज्ञापन देंगे, आने वाले 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद मतलब दोबारा ज्ञापन देंगे अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जी। और उसके बाद फिर हम अपना, पहले 10 दिन में क्या कार्रवाई चाहिए? पहले 10 दिन में ये कार्रवाई चाहिए, लघु सचिवालय, ये जिला मुख्यालय हमारा महेंद्रगढ़, और इनका नाम बदल दो, पहले भाई नारनौल जिला कर दो। अच्छा, शुरू में ही अधिकारी 5 दिन बाद बैठ जाएंगे, मंजूर है, पहले मतलब कार्रवाई कर दो, कार्रवाई कर दो, नारनौल जिला, महेंद्रगढ़ जिला, काम खत्म, उसके बाद हम अपने आप करवा लेंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा जब जिला बन जाएगा। ये 10 दिन में ही हो गया तो फिर अगली 10 दिन में क्या फिर मैं सरकार के समर्थन में हूँ, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। अच्छा, फिर वोट मांगेंगे? वोट तो मांगूंगा, मैंने काम किया भाई, नहीं हुआ तो वोट नहीं मांगूंगा ना, मैंने ये कहा। जी जी यार, वोट तो, राजनीति तो कर ही रहे ना, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी आप बता रहे अगस्त में 10 या 15 तारीख को कुछ बड़ा करेंगे, वो अगर सरकार नहीं माननी तो 10 या 15 तारीख के बीच में ही एक ऐसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो 10,000 आदमी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जब तक सरकार सीएम साहब अनाउंस नहीं करेंगे तब तक हम लघु सचिवालय के अंदर बैठेंगे, बाहर पूरे उसमें, मतलब बलवान फौजी अब आंदोलन करेगा ताबड़तोड़, शांतिप्रिय तरीके का आंदोलन भी देखने को मिलेगा जनता को।
तो ये तो आपके आने वाले समय के कार्यक्रम हो गए लोगों के लिए, जिला मुख्यालय के लिए। अच्छा, जिला मुख्यालय यहाँ से गया क्यों, इसका कोई कारण पता है आपको? क्योंकि जिला जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से पहले से था, तो मुख्यालय नारनौल क्यों बनाया? ये सारे हमारे जो पुराने नेता थे, जो दोनों है 45 साल से, इनके टाइम पे भी बहुत कुछ गया है, तो सारा भेजने का ही इन्हीं का है। रामविलास शर्मा जी तो चाहते नहीं यहाँ से कुछ डेवलपमेंट हो, दान सिंह नहीं चाहते। अगर डेवलपमेंट होगा लोग उभरेंगे, इनके सामने खड़े होंगे, इनके सामने ये खड़ा नहीं रहना चाहते, ये नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई खड़ा हो। मतलब जो विधायक और पिछले 45 सालों से रहे हैं दोनों, ये नहीं चाहते कि महेंद्रगढ़ का विकास। तो फिर लोग इनको वोट क्यों देते हैं? बस जातिवाद में कोई तीसरा ढंका नहीं आता, आता वही बिक जाता है, आता वही इनके सरेंडर हो जाता है कि ये तो ड्रा करके धमका करके प्यार से पीछे मुझे ना धमकी आई थी। लेकिन बलवान फौजी का रामविलास और दान सिंह बलवान फौजी की परछाई तक नहीं खरीद सकते। अरे मुझे मारे ही तो गए, इंसान एक बार मरेगा, मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, यहां हो जाऊंगा, जनता तो याद करेगी कोई काम करते करते मरा है महेंद्रगढ़ के लिए। बिल्कुल, तो अब की बार आप कह रहे तीसरा मजबूत नहीं आया या बिक जाता है, तो तीसरा अब की बार लोग मान सकते हैं कि आ गया, बिकेगा नहीं? ये जनता बोल रही है जी, अब की बार आया है जो महेंद्रगढ़ का इलाज, इन दोनों का इलाज कर सकता है, जो कि इन्होंने महेंद्रगढ़ का इलाज बंद है आज तक। एक सवाल हो रहा है, लोग अक्सर पूछते हैं कि जो नेता बन गया और जो नेता बनने की तैयारी में है, मतलब जो विधायक बन गया, सांसद बन गया या आने वाले समय में बनने की तैयारी में है, वो कहीं भी सड़क पे नजर नहीं आते या फिर ज्ञापन देने में नजर नहीं आते? बलवान फौजी या तो सड़क पे खड़ा होता है, करीब 10-15 रोड सड़क ऐसी है जो जिसपे हमने आपके इंटरव्यू भी किए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कहीं ज्ञापन किसी को लेके दे रहे, कहीं किसानों के दे रहे, किसी बिजली की समस्या को लेके दे रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं, और जो लोग हैं दान सिंह रामविलास को फॉलो कर रहे हैं, अरे वो विकास भी नहीं चाहते फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि इनको जनता बिना कुछ किए वोट दे रही है, तो हमको भी ऐसे देगी, हम काम क्यों करें। मैंने एक ट्राई किया स्टार्टिंग वाला, जो यहाँ मेरा गंगा देवी हॉस्पिटल वाले रोड की बात थी, जेई साहब को आपको पता होगा पानी में लेके बैठ गया था, और वो लाखों लोगों ने वो वीडियो भी देखा था। उसके बाद से मेरा थोड़ा काम ठीक, मैं पहले ट्राई किया कि हम फौजी आदमी है, करके देखते हैं एक बार, काम तो करके देखते हैं। इन लोगों ने आज तक काम ट्राई करके ही नहीं देखा, तो कहां से होगा? सोचा ही नहीं। बलवान फौजी ने थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ी सी अपने आप में फौजी तरीका लाया और घुस गया ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में वो मैडम बीडीपीओ थी शायद, वो कह रही थी हवा बनाओ फौजी, तो हवा तो बनाऊंगा भाई, हवा भी बनेगी, एमएलए भी बनेंगे, वोट भी आएंगे, राजनीति भी करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको हमारी आवाज से तकलीफ है, हमारे वोट से तकलीफ है, हमारी राजनीति से तकलीफ है, तो लोगों के जो हमारे पास आते हैं उनके काम पहले वो आपके पास धक्के खाकर बाद में बलवान फौजी को पसंद करते हैं, बाद में बलवान फौजी के पास आते हैं कि जी हम तो वहां चक्कर काटा है, नहीं हो रहा काम, उसके बाद बलवान फौजी जाता है अगले ही घंटे में काम करवा देता है। तो फिर जनता के लिए तो एमएलए मैं हुआ ना। बिल्कुल, अच्छा, ना होते हुए भी एमएलए हूँ। बिल्कुल, एमएलए जो है अभी विपक्ष के, कांग्रेस के राव दान सिंह जी हैं, तो लोग अक्सर सुना जाता है लोगों से कि वो कहते हैं अगर कोई काम के लिए जाता है तो मेरी सरकार नहीं है। इधर जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, काफी बार विधायक रहे, वो कहते हैं मुझको हरा दिया। अच्छा, आपके पास तो कोई पद शायद नहीं है, कुछ भी किसी पार्टी में भी नहीं, पार्टी में भी नहीं, फिर आप कैसे काम करवाते हैं और उनकी चलती नहीं है? वो विधायक भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी, सीपीएस भी, मतलब क्या चक्कर है वो? क्यों, कौन कहता है उनकी नहीं चलती? वो लोग शायद लोग कहते हैं राव दान सिंह ने अपने बेटे को बचाने में चलाई पूरी, क्या हो गया था बेटे वो करोड़ों का जो अभी चल रहा था पीछे लोकसभा में, सारे की तरह से सारी डीप से, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो 13,000 करोड़ का था वो जमानत, अब लंबी क्या कहानी बताऊं मैं, कहां से तो जमानत लेकर के आए हैं ये। अच्छा जी, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में कैंसिल हुई जमानत, हाई कोर्ट में लगा दी, वो ऊपर से फिर वहां से कैंसिल होकर के वापिस आकर के सेशन कोर्ट में जमानत हो रही, क्या होगा क्या बताऊं मैं बंदर। अरे मेरे पास सब कुछ पड़ा है, ये वीडियो आपका 10 घंटे का हो सकता है अगर मैं सारा इन दोनों के बारे में बोलने लगूं। अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ था ना भाई, महेंद्रगढ़ के बेटे मरे गुड़े कोई क्या फर्क पड़ता है, खुद का बेटा बचना चाहिए। ऐसे रामलीला चलती तो है इनकी, फुल चलती। अरे जब हमारी हमारे पास कुछ भी नहीं फिर हमारी चल रही है, तो इनके तो मेरे पीछे एमएलए लगा के दिखाए, महेंद्रगढ़ का कोई भी सार्वजनिक काम करवाओ, मुझे ऐसा काम करवाओ जो कोई नहीं कर सकता, बलवान फौजी करेगा। अरे जब अब मैं नहीं मान रहा, अब मैं नहीं कर पा, मतलब रुक पा रहा काम करवाने से, तो एमएलए लगने के बाद तो पता नहीं क्या क्या करवाऊंगा।
मेरी गारंटी आपसे, अगर अब किसी कारणवश एमएलए ये जिला मुख्यालय एमटी खुडाना नहीं आई तो बलवान फौजी बनते ही एक साल में दोनों के दोनों चैलेंज के साथ। अच्छा, बनते ही तो अक्सर कहा जाता है महेंद्रगढ़ में जो विधायक बन गया महेंद्रगढ़ में तो रहना नहीं है उसको। ये तो 45 साल से इन लोगों ने इन्हीं को देखा है ना, तो इसलिए गए नहीं ना। तीसरा एक आधा बदलते तो तीसरा ऑप्शन देखते तो पता चलता लोगों की जिंदगियां निकल गई, लोग इनके साथ रह रहे के मर लिए। आज मैं अभी बैठा था कहीं तो बोला जी हमारा पिताजी इनके साथ मतलब काम करते करते मर गया, हमने एक रुपए का काम नहीं करवाया इनसे, एक कोई नौकरी नहीं लगवाई। तो लोग खत्म हो चुके हैं इनके चक्रों में। नगर पालिका बुरा हाल, शहर का बुरा हाल। अच्छा, विधायक हालिया विधायक है वो कभी नगर पालिका में नहीं आते, क्यों? लोग नगर पालिका के लोगों ने भी तुमको महेंद्रगढ़ शहर के बाणिया बकाल भाई जितने भी जो साथी हैं, जो भी दुकानदार व्यापारी छोटे मोटे सब है, सबके सब भाई साहब वोट दे रहे हड़े हाथ क्यों आएंगे नगर पालिका में? क्या लगती है नगर पालिका, क्या है महेंद्रगढ़ उनके लिए? अगर नगर पालिका में विकास होगा तो फायदा इन दुकानदारों को ही होगा, सबसे ज्यादा दुकानदार व्यापार छोटे वर्ग के सब व्यक्ति को है, रेडी मजदूरी वालों को सबको है, निकलने की जगह। अभी मैं बूचोली रोड पे गया, वहां एक बलजीत भाई फोन करने लगे बाल्टी से पानी निकालने लग रहा, नाली नहीं बनाई रोड बनाया, ये कैसा है? फिर रोड पाड़ेंगे फिर नाली बनाएंगे? तो काम करने वाला तीसरा आया है, तीसरा काम करने वाला आया है और इसके अलावा कोई काम भी नहीं कर रहा है। और बलवान फौजी ऐसे लगा रहेगा, विधायक बनू नहीं बनू, कोई वोट दे ना दे, मैं अपने कर्म में लगा रहूंगा। ये अपना कर्म नहीं उगाएंगे, जिस दिन भाग्य में होगा उस दिन आ जाएगा। अब की बार वोट देंगे, अब की बार काम कर देंगे, अब की बार वोट नहीं देंगे, ऐसे संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष से जो काम निकल के आएगा उन लोगों के सामने पेश कर देंगे। मतलब अगस्त की शुरुआत में आंदोलन करेगा बलवान फौजी 101%। अगर आप चाहते हैं मुख्यालय, अगर आप चाहते हैं आईएमटी खुडाना जो एक लंबे समय से सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है और जिला मुख्यालय एक बहुत भारी समस्या है, लोगों को 70-70 किलोमीटर दूर नारनौल में जाना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं, एक बड़ी बात बलवान फौजी ने कही है कि आप किसी पार्टी से किसी नेता से संबंध रखते हो कोई मतलब नहीं है, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप वहां पहुंचो, महेंद्रगढ़ का अधिकार मिले, उसके बाद आपको अच्छा लगे कि बलवान फौजी का काम तो वोट दे देना, नहीं तो मत देना, ऐसा खुला कहना है बलवान फौजी का। आप क्या सोचते हैं, जो बलवान फौजी सड़क पे खड़ा मिलता है, जो कोर्ट में ज्ञापन के लिए खड़ा मिलता है और कल से ज्ञापन देने के बाद गांव-गांव घूमेगा कि भाई महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय बनना चाहिए, महेंद्रगढ़ में आईएमटी खुडाना होनी चाहिए, महेंद्रगढ़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वीडियो पे कमेंट करके बताएं। और अगर महेंद्रगढ़ के लिए चाहते हैं, महेंद्रगढ़ को चाहते हैं और महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं तो आप इस मुहिम में जरूर जुड़ें, क्योंकि मुख्यालय हम सब का अधिकार है और बलवान फौजी इस मुहिम की शुरुआत कर रहा है। वीडियो शेयर करें और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।